ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है तुला राशि वालों के लिए राहु का जो परिवर्तन का योग बन रहा है क्या कुछ करने वाला है उनके जीवन के अंदर। देखिए तुला राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से पिछले करीब करीब 18 महीनों से केतु आपके लग्न में चल रहे थे, लग्न राशि में, और राहु महाराज चल रहे थे सप्तम भाव में। आपके सप्तम भाव में राहु ने जो कुछ प्रपंच मचाया है पिछले 18 महीनों में वो सबके सामने होगा तुला राशि वालों के लिए। खास तौर पर परिवर्तन का योग बनता रहा बहुत ज़्यादा और उसमें फल प्राप्त हुए नहीं, कॉन्फ्लिक्ट्स कई प्रकार के रहे होंगे और जो स्थिति रही है वो विशेष तौर पर कई दिक्कतों के समक्ष सबक रही हैं, वो सबने समझा है, देखा है। बृहस्पति महाराज जब आए थे वहाँ पर तो उम्मीद जगी थी कि कुछ ना कुछ बृहस्पति अच्छा करेंगे, लेकिन बृहस्पति भी वहाँ पर राहु के साथ आकर जो गुरु चांडाल योग का निर्माण किए उसके कारण से समस्त समय को बर्बाद कर दिए। अब राहु परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। देखो, ये तो एक गोचर का प्रभाव हम आपको बता रहे हैं, इसके अलावा भी आपकी दशा, अंतर दशा और सारे ग्रहों का परिवर्तन, मूल कुंडली में किस प्रकार के ग्रह बैठे हैं वो सब का भी एक बहुत महत्वपूर्ण होता है राहु, उन सब में एक फैक्टर है गोचर के दृष्टिकोण से, तो उसी को हम डिस्कस करने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई राहु ही सब कुछ है, नहीं ऐसा नहीं है, राहु है सब कुछ तो नहीं, बहुत कुछ भी डिपेंड कर सकता है राहु। अकेले राहु नैसर्गिक दृष्टिकोण से इस संसार में ग्रहण ला देते हैं, किसी और ग्रह में ताकत नहीं है कि सूर्य को भी अस्त कर दें, सूर्य सबको अस्त कर देते हैं लेकिन राहु सूर्य को भी अस्त कर देते हैं। तो इसलिए बात समझें कि राहु को इग्नोर करना, कई लोग कहते हैं ग्रह ही नहीं है, छाया ग्रह है, बिल्कुल छाया ग्रह है, लेकिन इतना शक्ति संपन्न है कि वो राहु सूर्य जैसे को भी ग्रहण ग्रसित कर लेता है, ग्रहण लगा देता है। तो राहु का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी हमें समझ लेना चाहिए। ठीक है, ओवरऑल कुंडली में कौन से ग्रह अच्छे रहे, कुछ खराब रहे, कहाँ रहे, क्या उनके कारण से बहुत अच्छा हो सकता है कुछ, लेकिन राहु का प्रभाव जो पिछले 18 महीने से रहा था उसने अपने आपकी कुंडली के अंदर शुभ करने से बहुत कुछ को रोकने का प्रयास किया और जितना कुछ प्राप्त होना था आपकी कुंडली के हिसाब से वो नहीं होने दे रहा था राहु। बाकी सारे ग्रह यदि हम बात करें तो चंद्र, सूर्य जो विशेष तौर पर जो शनि का परिवर्तन था योग कारक होकर आपकी कुंडली में बैठ जाते हैं, जो दशम में भी, चतुर्थ में भी रहे, पंचम में आ गए, लेकिन उनका भी पूर्ण प्रभाव राहु ने कई प्रकार से समस्याएं उत्पन्न करने के दे रखे थे योग, जिसके कारण से उनका जितना शुभ होना चाहिए था पिछले 18 महीनों से उनका भी शुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ रहा था। तो अब राहु जा रहे हैं छठे भाव में। छठा भाव रोग का भाव, छठा भाव चोरी का भाव, छठा भाव झगड़ों का भाव, छठा भाव एक्सीडेंट का भाव भी माना जाता है। छठे भाव के और किस से कई चीज़ें और भी डिस्कस की जाती हैं, शत्रु का, भय का, रोग का, कई प्रकार से क्रूर कर्मों का भाव भी माना जाता है। तो इन सब चीज़ों पर राहु का प्रभाव परिवर्तन होकर जब वो आपके छठे भाव में जाएंगे तो इन सब चीज़ों पर क्या खेल करने वाले हैं राहु। आप देखिए, सबसे पहले तो लग्न पर राहु का प्रभाव चल रहा था। लग्न आपके सप्तम भाव, आपके जीवन साथी का भाव होता है, व्यापार का भाव होता है, और खासतौर पर लग्न आप स्वयं हैं, आपके पूरे पर्सनालिटी पर राहु का प्रभाव चल रहा था। अब वो हटने वाला है, बृहस्पति का शुभ पूर्ण शुभ फल प्राप्ति के योग बन जाते। बृहस्पति जब भी लग्न को देखेगा तो कुछ ना कुछ शुभ करने के योग बनाई देगा, लेकिन गुरु बृहस्पति राहु के साथ युक्त होने के कारण से शुभ कर ही नहीं पा रहे थे। अप्रैल से जब से राहु आए, किस बृहस्पति बदले हैं, आपके सप्तम भाव में आए हैं और वो भी अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं, तो हमें लगता है कि अब राहु के वहाँ हट जाने से, छठे भाव में चले जाने से, एक तो राहु स्वयं शुभ हो गए और बहुत राहु का वैसे गोचर का प्रभाव तो है ही है, लेकिन जन्मपत्री में भी राहु का छठे होना बड़ा महत्वपूर्ण लगता है। योगी जी की कुंडली देखिए, अक्षय कुमार की कुंडली देखिए कि एक बार जो ग्राफ चढ़ा वो वैसा ही चढ़ता चला गया, बिल्कुल आगे ग्रोथ 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 ग्रोथ। तो यानी छठे भाव का राहु अशुभ नहीं है, बहुत सुंदर योग बनाता है। बारहवें भाव का केतु तो मोक्ष दे देता है, बहुत सुंदर, यानी व्यक्ति को साध देता है। तो इस प्रकार से ओवरऑल हमें दिखाई देता है कि बड़ा महत्वपूर्ण ये समय आपके लिए शुरू होने जा रहा है, अवारे न्यारे करने के योग बनाता दिखाई दे रहा है। तो आप अपने आप को तैयार कर लीजिए बहुत सुंदर तरीके से।
लेकिन एक बात समझे, थोड़ी बहुत जो है अच्छा है तो थोड़ा बहुत कष्ट देने के योग बन सकते हैं। थोड़ा सा भाइयों से, मित्रों से कॉन्फ्लिक्ट होने के योग दिखाई देते हैं, तो उन कॉन्फ्लिक्ट से आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। अननेसेसरी के भाइयों के साथ, मित्रों के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट ना हो, इस बात का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ लोग हैं जो आपको परेशान करने के योग दे सकते हैं, उनको इग्नोर करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन क्योंकि एक बात समझें, कुछ हैं जो ज़बरदस्ती परेशानी करते रहते हैं, खामखा जिसको उनको बुलाया जाता है। अब जो हैं तो हैं, या तो उनको अवॉइड कीजिए, और नहीं तो अगर उस कॉन्फ्लिक्ट में फंस गए तो फिर आपका जो पूर्ण ओवरऑल अच्छा समय आ रहा है वो कहीं ना कहीं आपको पूरी तरह से आगे बढ़ने से कहीं ना कहीं रोक ना दें। इस बात को भी आपको ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो राहु ने खराब कर रखा था, वो अब नसों की संबंधित, एंजाइटी संबंधित समस्याएं, जो ऐसी विशिष्ट साइकोसोमेटिक डिसीजेज थी, एंजाइटी संबंधित जो नर्व संबंधित तकलीफें थी, उनमें भी कुछ ना कुछ निजात प्राप्त होने के, कुछ ना कुछ रिलीफ मिलने के योग राहु बना देगा, क्योंकि परिवर्तन की तरफ जा रहा है। बस इस बात का ध्यान रखें कि राहु का प्रभाव शुभ हो। कैसे शुभ किया जाए, अब थोड़ी बहुत तो जो दिक्कत है उनको कैसे ठीक किया जाए, उनके लिए उपाय भी है, चिंता ना करें। उपाय हम आपको बहुत सुंदर तरीके से बताएंगे, वो आप करते रहेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए लाभ के योग बहुत बढ़िया तरह से बन सकते हैं। आपके घर के आसपास काले रंग का कुत्ता जहां भी हो, तो कोशिश ये करें शाम के समय पर और सुबह सूर्योदय से पहले के समय पर, ये दो समय नोट कर लीजिए। राहु केतु दोनों परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त काला श्वान, आप उसको रोटी डाल दीजिए, कुछ मीठा लगा के रोटी डाल दीजिए, कुछ ना कुछ भोज्य पदार्थ डाल दीजिए उसको। ये आपके लिए चमत्कारिक उपाय हम आपको बता रहे हैं, एक छोटा सा उपाय, देखिए बिल्कुल परिवर्तन के बहुत सुंदर योग बनाएगा, लाभ के योग बनाएगा। और ये राहु का परिवर्तन आप याद रखेंगे, इन 18 महीनों में बहुत कुछ नया आपके साथ होने के योग बनने वाले हैं, तो इसलिए विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से। बस कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं पड़ना है, थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट जो मित्रों से, भाइयों से, जो आपके जान पहचान उन्हीं से आने वाले योग दिखाई देते हैं, उनसे बचते हुए यदि आप आगे बढ़ने का प्रयास कर लेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए विशेष तौर पर बहुत परिवर्तन का योग बनता दिखाई दे रहा है। राहु आपके लिए भाग्य जगाने के योग दिखाई दे रहे हैं। जो आप काम करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, उसमें प्रोग्रेस होने के योग दिखाई देते हैं। शत्रु भी का भी दमन करेगा ये राहु महाराज यहाँ परिवर्तित होकर, रोगों का भी दमन करेगा ये राहु महाराज यहाँ उपस्थित होकर। तो इसलिए आप अपने आप को तैयार कर लीजिए, बहुत सुंदर तरीके से राहु का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। दो, थोड़ा सा जो जिस मामलों में कॉन्फ्लिक्ट है उसके लिए हमने आपको उपाय बताया। एक राहु का सिद्ध यंत्र बनवाकर भी आप अपने घर में रख सकते हैं। राहु का सिद्ध यंत्र, ओम भ्रांग ढ्रींग भ्रौंग से राहवे नमः, इस मंत्र का जप करके करीब करीब 18,000 मंत्र जप कर बनाया जाता है, उसको सिद्ध करके अपने घर में रख लीजिए और उस पर नित्य प्रति, यदि चांदी का बनवा कर वो रख लें तो बहुत सुंदर। राहु का उपाय जो है चांदी के बने हुए यंत्र पर बनाकर सिद्ध कर उसको धारण कर लेने से, उसको रख लेने से घर में, उसका नित्य प्रति थोड़ा बहुत मंत्र जप कर लें 108 बार नित्य प्रति ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग से राहवे नमः, तो ये बहुत सुंदर रहेगा, आपके लिए कष्टों को दूर करने वाला रहेगा। ओवरऑल हमें दिखाई देता है कि आपकी राशि के अनुसार से बहुत महत्वपूर्ण समय 30 अक्टूबर से आरंभ की तरफ होता चला जा रहा है, और बाकी सब ग्रहों का भी प्रभाव होगा, वो समय समय पर हम बताते रहेंगे, क्योंकि मंगल शनि महाराज भी अब परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, मार्गी होने जा रहे हैं। बृहस्पति अभी वक्री चल ही रहे हैं, करीब करीब अभी तो चलेंगे दिसंबर के आखिर तक, लेकिन ये राहु का परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, भाग्य को जगाने वाला है। और जब बृहस्पति पूर्ण जागृत होकर मार्गी होकर आगे बढ़ेंगे तो बहुत सुंदर इसका प्रभाव आपको तुला राशि वालों देखने को मिलेगा, तो इस समय का आनंद लीजिए। राहु का परिवर्तन आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहने वाला है। धन्यवाद, नमस्कार।